हल्द्वानी में टैक्सी चालकों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। काठगोदाम क्षेत्र में आरटीओ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ एकजुट हुए कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार उनका शोषण किया जा रहा है, मनमाने चालान काटे जा रहे हैं, वहीं अब वाहनों की छतों पर लगे कैरियर हटवाए जा रहे हैं। ऐसे में यात्रियों का सामान रखने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चालकों ने कहा कि एक टैक्सी चालक पूरे मानकों के हिसाब से यात्रियों को सीटें उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन पुलिस और आरटीओ मिलकर जबरन बेवजह कोई ना कोई वजह ढूंढकर जबरन चालान काटने पर आमदा हैं। चालकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि केवल उन टैक्सी चालकों का चालान नहीं काटा जा रहा है जो पुलिस और आरटीओ की जेबें भर रहे हैं, जबकि जो लोग पूरे नियम कायदों से चल रहे हैं उन्हें भी जबरन रोका जा रहा है और चालान थोपा जा रहा है। चालकों ने साफ तौर पर कहा कि अगर वाहनों पर लगेज कैरियर नहीं होगा तो वो कैसे दुर्गम इलाकों तक यात्रियों का सामान लेकर जाएंगे और ऐसे हालातों में यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। वही वाहन फिटनेस को लेकर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि आरटीओ की मिलीभगत के चलते फिटनेस सेंटर में मनमानी फिटनेस फीस तो ली जा रही है, जबकि यहां भी केवल जुगाड़बाजी का खेल खुलेआम चल रहा है। हल्द्वानी में आरटीओ द्वारा छत काटे जा रहे हैं, जो कि हमारे पैसेंजरों को बैठने में या सामान ले जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। पैसेंजर सामान कोई भी फैमिली कहीं जाए तो 2-4 बैग लेके ही जाती है, वो सामान कहाँ रखे ये परेशानी हो रही है। ऊपर से ग्राइंडर से काटा जा रहा है। दूसरी चीज़ फिटनेस जो हो रही है, फिटनेस सेंटर पे मनमानी रेट लिए जा रहे हैं। गाड़ी वाला अगर जाता तो उसकी फिटनेस पास नहीं हो रही है, दलाल के द्वारा करता है तो फिटनेस 8-10 हज़ार रुपये लग रहे हैं उसमें, और गाड़ी वालों को बड़ी परेशानी हो रही है इस चक्कर में। उत्पीड़न बहुत ही उत्पीड़न हो रहा है गाड़ी वालों को। ये IIT हल्द्वानी के द्वारा किया जा रहा है ये चीज़ है, और ये जो नीचे सेंटर खोला है ये फिटनेस सेंटर, वहाँ पे भी गाड़ी वालों का कोई सुनने वाला नहीं है। मैं डिगर बिस्ते हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार हो रहा है, कम से कम आज 25 दिन से लोग बेमतलब चालान भुगत रहे हैं और हमारे छतों को कटर से काटा गया है। हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार, इन्होंने एक ही राज्य में दो कानून पास किए हैं। एक तरफ से हमें रोज़ पुलिस परेशान करती है, एक तरफ से हमें आरटीओ परेशान करता है। सर हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कैसे हम पूरा करेंगे बताइए। एक जीप में ये 8 सवारी 9 सवारी का हमें परमिट देते हैं और उसके बाद हमें जो है टैक्स में हम 1420 रुपये 2023-2022 में भरते थे, आज हम उस टैक्स और उस फिटनेस को 12,000-11,000 में कर रहे हैं, और फिटनेस 4400-4500-4800-5000 ये इनकी मनमानी चल रही है सर हमारे साथ। हमें हर रोज़ 2000 रुपये पुलिस या आईटीओ के लिए चाहिए, हम कैसे पूरा, एक जीप वाला कैसे पूरा कर सकता है सर आप बताइए। मैं गोधन सिंह हूँ, मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज मेरा दिल फूट चुका है सर। मैं रो रो करके कर रहा हूँ, आज मुझे 10,000 रुपये दिख रहे, मैं अपनी पेट्रोल डाल के आग लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं मुझे आक्रोश है इन पुलिस वालों पर और इस आरटीओ पर जो हमें रोज थोपा जा रहा है और हमारे अनलीगल चालानों को काट दिया जाता है। गलत धंधे वालों को एक नहीं पकड़ते सर, हम अपने कागज पूरे करके रोड में अपने नियम कानून से चलते हैं। आज इनको पूछा जाए कि हमारी कभी गाड़ी का चालान किसी कागज में हुआ है, ये रोज हमें अनलीगल दबा रहे हैं सर। मैं दरख्वास्त आपसे करना चाहिए, उतार दिया गया है। मेरे पास 9 सीटर गाड़ी है, इसको पर्यटक प्रदेश बोलते हैं। पर्यटक प्रदेश में आरटीओ फिजिकल वेरिफिकेशन करा के रोड में कोई पर्यटक 10 दिन के लिए यहाँ घूमने आता है, मेरी 10 बुकिंगें कैंसिल होगी। मैं आदि कैलाश की तरफ जाता हूँ, उनके सामान नहीं ले जा पाता हूँ, 2 बुकिंगें मेरी कैंसिल हो चुकी हैं। वो 10 उसके ट्रॉली बैग को मेरी गाड़ी में रखवा दे, जगह अगर होती है तो। और बाहर परमिट दिए जाते हैं, टेम्पो ट्रेवल भी 6 सीट 7 सीट में पार्क, हम उसको चला नहीं पा रहे हैं, हम गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, हमारे सामान रखने की जगह नहीं। आरटीओ से लेकर पुलिस सबकी बला ये है, जो हमारे पहाड़ के जितने भी टैक्सी वाले हैं इनके साथ बहुत ही अमानवीय तरीके से यहाँ पे कृत्य किया गया आरटीओ के द्वारा। बिना किसी ऑर्डर के सवारियाँ बैठी हैं गाड़ियों में, उसके बाद सवारियों को उतार के छतों में से सामान बाहर फेंक दिया गया है और उनको ग्राइंडर से यहाँ पे काटा गया इसी स्थल पर। आज इसी चक्कर में जो है राष्ट्रीय सेवा संघ के द्वारा हम लोग यहाँ पे इन सभी को एकजुट करते हुए एक धरना प्रदर्शन में चेतावनी देना चाहते हैं आरटीओ हल्द्वानी को। जो छतें इनकी काटी गई हैं वो आज यहाँ पे वापस होंगी सभी की, और आगे जो है ऑर्डर है ये एक राज्य में दो कानून नहीं चलेगा।